नगर सेवक, नागपुर में दो मिल हुआ करती थी, एम्प्रेस मिल और मॉडल मिल। नागपुर लोगों की शुरुआत जो सुबह की जो लोग जागते थे 5:30 बजे जब नील का पोंगा बसता था उस टाइम लोगों का दिनचर्या शुरू होती थी। दोनों मिलें आज बंद है और जो बुट्टी बोरी में एशिया की सबसे बड़ी MIDC जो बनाई थी उसमें कोई नए प्रकल्प नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में मिहान में कोई नए प्रकल्प नहीं आ रहे, उल्टा जो ना महाराष्ट्र के और विदर्भ के जो प्रकल्प है, पहले वेदांता फास्कॉन को इन्होंने गुजरात शिफ्ट कर दिए और अभी हाल ही में टाटा एयरवेज को गुजरात में शिफ्ट कर दिए। जो सरकार है ये मोदी की दलाल है और ये सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए और गुजरात के चुनाव में जीत हासिल करना इनका उद्देश्य है, इसलिए महाराष्ट्र के प्रकल्प ये गुजरात लेके जा रहे हैं। इससे जो नागपुर के और विदर्भ के और महाराष्ट्र के जो बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं उनके रोजगार छीनने का काम और ये पाप महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। उसके अलावा मोदी जी बोलते अर्बन नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवादी कौन है? अगर गढ़चिरौली और गोंदिया जो है ये नक्सलाइट एरिया है विदर्भ का, अगर नागपुर के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेंगे तो उनके पास में पर्याय क्या है? और आप तो सिर्फ बोल रहे हैं, उनको दिशा दे रहे हैं आप, यानी एक तो उनका रोजगार छीन रहे और दूसरा उनको शहरी नक्सलवाद बोल के उनको दिशा देने का काम ये कर रहे हैं। और ये जो पाप कर रहे हैं इनके पाप का घड़ा भर गया है। राहुल गांधी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं इनसे इनकी जमीन खसक गई है पैर की, और ये इसीलिए इनको अभी गुजरात बताना जरूरी है और महाराष्ट्र के जो प्रकल्प है वो जानबूझ के लोग गुजरात ले जा रहे हैं ताकि मोदी की इज्जत ये बचा सके। सर आज यहाँ पर कांग्रेसियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या मुख्य मुद्दे उसके बारे में? इसके बारे में मुख्य मुद्दे ये है कि महाराष्ट्र में ये जो सरकार आई है ये सरकार कोई मैंडेट लेके आई नहीं है, ये जबरदस्ती छाती पे बैठे हुए लोग हैं और ये लोगों की हिम्मत नहीं है कि महाराष्ट्र के जो प्रकल्प जा रहे हैं उनको रोकने की, उसका विरोध करने हम आए हैं। पहले जो गया है, पहले बल्क मेडिसिन पार्क गया, मेडिकल इक्विपमेंट पार्क गया, वेदांता फॉस्कॉन गया और अभी टाटा एयरबेस गया। टाटा एयरबेस ये प्रोग्राम है और ये सबको तुम अगर मिला के देखते हो तो टोटल 2 लाख लोगों का रोजगार यहाँ से गया है। और ये हम ये नहीं बोले कि गुजरात गया इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे, ये महाराष्ट्र का अलर्ट हो चुका था, ये महाराष्ट्र के हक की बात थी और महाराष्ट्र ने पूरा इंतजाम कर दिया था कि आप आके यहाँ बिजनेस करो और ये हमारे मुंह से छीन के लेके जा रहे हैं। ये इसलिए लेके जा रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के दया पे, ईडी के दया पे यहाँ जो सरकार बनी है, खोखे सरकार, वो खोखे सरकार उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र के लीडर एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, फडणवीस साहब तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनको सत्ता मिल गई है। गडकरी साहब को क्या हो गया? गडकरी साहब ने बोलना चाहिए। संघ का मुख्यालय या संघी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा इसलिए विरोध है, ठीक है।